नमस्कार, ज्ञान भी और दान भी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गणपति महोत्सव का 8वां दिन है कल, और आपने कल के दिन क्या करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखने वाली हैं, खास करके गणपति के आगे के जो नाम है, यानी एक एक करके हम 108 नाम का जिक्र आपके साथ कर रहे हैं। 77 नाम तक हमने आपको, 70 नाम हमने आपको बता दिए हैं, अब 78वां नाम आज बताया जाएगा, और साथ के साथ एक महा उपाय, ऐसा दिव्य उपाय दिया जाएगा जिससे आप अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण कर सकते हैं। और घर के अंदर सुख समृद्धि चाहिए तो आज के दिन ही आपने इस चीज़ की प्लानिंग कर लेनी है कि कल आपको कैसे उपाय करना है। और खास करके हम एक चीज और भी बताते हैं हर वीडियो के अंदर कि गणपति के अंगों के रहस्य बताते हैं। हर अंग गणपति का एक मैसेज देता है, हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षा देता है, और वो शिक्षा अगर हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। यानी संकेत क्या, सामने सामने कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब हम बात करें कि गणपति के जो वाहन है वो मूषक वाहन जो है वो क्या शिक्षा हमें दे रहे हैं। मूषक यानी चूहा। क्यों, गणपति जो प्रथम पूजनीय देवता है, पूरी सृष्टि को जला दे रहे हैं, हर किसी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, भगवान के सभी देवताओं के प्रिय गण है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो बड़ी सी चीजें भी तो रख सकते हैं। मूषक क्यों भाई, भाई ये बड़ी सोचने वाली बात है कि गणपति ने अपना वाहन जो है वो मूषक क्यों चुना, गणपति ने बड़े से वाहन क्यों नहीं चुने। यानी हमें हमेशा अपनी सीमा तक रहना चाहिए। जब आप अपनी सीमा से बाहर पैर पसारते हैं तभी हम गलत काम करते हैं, तभी हम पाप करते हैं, तभी हम चीजों को गलत अंदाज में अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं, और वो सुख पाने की कोशिश करते हैं जो हमारे हिस्से का नहीं होता है, वो तो हम जबरदस्ती कैच कर रहे हैं उसको। और वही तकलीफ, वही एक ऐसा रास्ता आपके लिए हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ खतरे की तरफ जाता है। पाना कुछ भी बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी मेहनत से, लेकिन अगर हम दूसरों को तकलीफ दे करके पाएंगे, क्योंकि गणपति ने छोटे से मूषक को अपना वाहन बनाया, उन्होंने यह शिक्षा बताई है कि हमारी लिमिटेशंस जो होती हैं वही हमारी सही एक राह है वो चीज़ें अचीव करने की, जितनी हमारी क्षमता होती है और जितना हमें अचीव करना चाहिए। हाँ, इच्छाएं रखिए, उस पर मेहनत कीजिए और बढ़िए आगे, लेकिन जितनी आपकी सीमा है उस सीमा को जब पार करेंगे तो आपको कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। इसीलिए अपनी जो इच्छाओं को वो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। सफलता आपके कदम तभी चूमती है जब आप बैलेंस होते हैं जिंदगी में। तो इसीलिए आपने कुछ भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विपरीत रास्ता नहीं चूज करना है, संयम रखना है, कंट्रोल करना है। 78वां नाम, 77 नाम तक हमने आपको बताया, 78वां नाम, 78 नंबर का नाम है ओमकार, ओम के आकार वाले। शशिवर्णम, जिनका रंग चंद्रमा को भी भाता हो, चंद्रमा भी प्रसन्न होते हो उनके रंग से। अगला नाम, 80वां नाम, शुभ गुण कानन, शुभ गुण कानन, जो सभी गुणों के गुरु हैं, यानी हर गुण है उनके अंदर। श्वेता, जो सफेद रंग के रूप में शुद्ध है पूरी तरह से। सिद्धि प्रिय, इच्छा पूर्ति करने वाले, आपकी हर इच्छा का ध्यान रखने वाले। स्कंद पूर्वज, भगवान कार्तिकेय के भाई। सुमुख, शुभ मुख वाले। स्वरूप, सौंदर्य के प्रेमी। तरुण, जिनकी कोई आयु ना हो। उद्दंड यानी शरारती, बहुत शरारती भी हैं लेकिन हमेशा सामने वाले का हित रखते हुए शरारत करते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उमा पुत्र यानी पार्वती के पुत्र। तो ये तो हो गए नाम,
88 नाम तक यहाँ हो गए, 89 नाम अगली वीडियो में होगा। सुख समृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने कहा था आपको उपाय भी देंगे साथ के साथ। आपने क्या करना है, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर डाला करें, आप हमेशा डालें, और खास करके जो कहते हैं कि अच्छे दिन होते हैं जब भी शुभता के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं, उसमें अगर आप गाय को चारा डालते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। बुधवार के दिन आपको हमेशा चारा डालना चाहिए गाय को, और साथ के साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हर बुधवार को आपने आने वाले समय में भी हमेशा के लिए गणपति को दूर्वा जरूर अर्पित करनी है। ये उपाय कीजिएगा, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। मेरी इस वीडियो को आपने दूसरों तक जरूर पहुंचाना है, क्योंकि ये जितने भी नाम आपके कान तक पड़ रहे हैं आप ये नाम को आगे जरूर भेजना है, रोकना नहीं है इन नाम को, क्योंकि जितना आप इन नाम को आगे भेजेंगे उतना ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।